गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज पार्ट टू ऑफ ब्लॉक वन, पर्सनल केयर एंड क्लीनिनेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ आईज एंड टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स। फर्स्ट वी विल रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक्स इन ब्रीफ। पर्सनल केयर एंड क्लीनिनेस, वी नीड टू हेल्दी एंड हैप्पी। बीइंग क्लीन हेल्प्स अस टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम साफ सुथरा रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। टेकिंग केयर ऑफ आवर आईज। आईज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। Our eyes are important to us. We see the world through them. So, we must to take care of our eyes. We see the world through our eyes. We need to look after them. हम पूरी दुनिया को, संसार को किसे देखते हैं? अपनी आँख से। If you imagine you close your eyes, you आँख बंद करके कोई काम कर सकते हैं क्या हम? No, we cannot walk, we cannot eat properly, we cannot write, we cannot do any work without eyes. By our own self. Here are some ways to take care of our eyes. When something gets into our eyes, wash it with water. अगर कुछ चले जाता है हमारे आँख में तो उसको अच्छे प्रॉपर पानी से धोना चाहिए। Eat lot of leafy green vegetables and carrots. They help us our eyes stay healthy. हमको green leafy vegetables, उसमें क्या होता है? Vitamin A. It is very good for our eyes. When we watch television or read for a long time, Our eyes get tired. अगर हम लगातार टीवी देखते हैं या लगातार पढ़ाई भी करते हैं तो हमारी आँखें थक जाती हैं। Rest your eyes and exercise by looking away. दूर देखेंगे और थोड़ी देर आँख बंद करेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारी आँखों को रेस्ट मिलेगा। And blinking our eyes. बंद, चालू, खोलना, बंद करना, ब्लिंक समझते हैं ना, ब्लिंक करने से भी हमारे आँख, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ आवर आइज। रीड ओनली व्हेन देयर इज इनफ लाइट। तेज रोशनी में ही पढ़ना चाहिए। वियर अ कैप और हैट व्हेन गोइंग फॉर अ पिकनिक और आउटडोर गेम्स। कभी भी धूप में या सामने साधारण ही बाहर जाते हैं तो हमको कैप पहनना चाहिए ताकि हम उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज से, तेज रोशनी से, सन की हमारी आँखों की प्रोटेक्शन हो सके, डायरेक्ट सनलाइट हमारे आँखों में ना लगे। टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स। अवर ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ईयर्स वी वुड नॉट हीयर पीपल टॉकिंग। हम किसी की बात भी सुन नहीं, अगर हमारे कान अच्छे नहीं रहेंगे तो हम किसी की बातें नहीं सुन सकेंगे। एनी म्यूजिक और इवन द टेलीविज़न और टेलीफोन, एनी थिंग। हम जब कान बंद रहेंगे तो कुछ सुन सकते हैं क्या? नो। Here are some ways to take care of our ears. Do not put anything inside your ears. कभी भी कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। Speak softly. मीठा, धीरे से बोलना चाहिए। Loud noise can damage your ears. दोस्त चिल्लाने से आपके कान खराब हो सकते हैं। If your ears are not proper working, you would not hear people talking and any music. अगर आपका काम अच्छे से काम नहीं करेगा, दर्द रहेगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना? Clean, don't touch your ears with dirty hand. कभी भी गंदे हाथों से कान को अंदर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। Clean your ear ornaments. Girls पहनती ना कानों में बालियाँ, उसको भी प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, उससे भी कानों में इन्फेक्शन हो सकता है। दिस इज़ द प्रीवियस क्लास टॉपिक। सो चिल्ड्रन, आई विल स्टार्ट द टुडेज टॉपिक।
keeping our nose, tongue, skin, hair and nails clean. नोज का मतलब नाक, टंग मतलब जीभ, स्किन समझते हैं आप चमड़ी, हेयर बाल और नेल्स की सफाई कैसे करना चाहिए. हियर आर सम वेज इन विच वी कैन कीप आवर नोज, टंग, स्किन, हेयर एंड नेल्स क्लीन. फर्स्ट वन इज क्लीन यूअर टंग विथ अ टंग क्लीनर. जैसे कि पिक्चर में दिखा भी रहा है आपको, हमेशा जीभ डेली आफ्टर ब्रशिंग क्लीन योर टंग विथ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ. डोंट ब्लो टू हार्ड टू क्लीन योर नोज, इंस्टीड रिंस द नोज विथ वाटर. जैसे कभी सर्दी होती है आपको तो जोर से नाक को रिंस मतलब छिड़कना जो होता है ना, अपन जोर से छींकते हैं आप साफ करते हैं, नाक को जोर से नहीं करना चाहिए. इट इज इससे हमारी नोज के अंदर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, है ना, और कभी कभी खून भी आ जाता है. उसको धीरे से साफ पानी से साफ नाक करना चाहिए धीरे से. टेक अ गुड बाथ विथ सोप. सोप साबुन से अच्छे साफ पानी से हमको नहाना चाहिए ताकि हमारी स्किन क्लीन रहे, उसे फोड़े फुंसी, दाग धब्बे और कुछ भी बीमारी ना हो, कुछ स्किन इन्फेक्शन ना हो. ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली विथ अ नेल कटर. नाखून को इट इज़ वेरी बैड, जो लंबे लंबे नाखून रखते हैं ना नेल पॉलिश लगाने के लिए, दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि उसके नाखून के अंदर डर्ट जर्म्स जो वी कैन नॉट सी विथ अवर आइज, दिखते नहीं है, बारीक बारीक जर्म्स रहते हैं, बीमारी के कीटाणु वो जम घुस जाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं ना तो वही मैल खाने के संग हमारे पेट में चले जाता है, पेट दर्द होता है और बहुत सारी इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है हमको, पेट दर्द. ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली वंस अ वीक. एक हफ्ते में नेल कटर से मम्मी से नाखून कटाना चाहिए ताकि आपके नेल्स साफ रहें. वॉश एंड कॉम्ब योर हेयर रेगुलरली. डेली बालों में कंघी करना चाहिए, प्रॉपर तेल लगाना चाहिए, है ना, और धोना चाहिए उसको शैम्पू से, प्रॉपर अच्छे से धोना चाहिए. कीप लॉन्ग हेयर नीटली टाइट. अगर आपके बाल लंबे हैं तो उनको छोटी बनाना चाहिए तेल लगा के अच्छे से, और बॉय हैं तो कट हेयर है तो छोटे हैं बाल आपके हैं, गर्ल हैं या बॉय हैं तो उनको प्रॉपर कॉम करना चाहिए. इन दिस पिक्चर वी सी द टंग क्लीनर से कैसे जीभ साफ कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है. ये देखिए मेन पॉइंट्स, रिंस नोज विथ वाटर, कट नेल्स रेगुलरली, टेक अ रेगुलर बाथ, यूज अ टंग क्लीनर, वॉश हेयर विथ शैम्पू. सेकेंड टॉपिक इज व्हेन टू वॉश हैंड्स. हाथ धोना तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी कोरोना के समय और डेली लाइफ में, है ना, क्या बताते हैं WHO डॉक्टर्स से बताते हैं, टीवी में दिखा रहा है 20 मिनट्स एटलीस्ट वॉश योर हैंड विथ अ गुड सोप हैंड वॉश, है ना. टू यूज आवर हैंड्स फॉर पिकिंग अप एंड टचिंग एवरीथिंग अराउंड अस. हाथ से क्या करते हैं, दिन भर हम हाथ से ही काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, गेट खोलते हैं, बंद करते हैं, हर काम हाथ से करते हैं ना, उठाते हैं, रखते हैं. दिस मे कॉज जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम थिंग्स टू कम टू अवर हैंड्स. इससे जो गंदगी है सब हमारे हाथ में आ जाती है. वैन वी ईट और टच अवर ईयर्स आइज नोज और माउथ द जर्म्स एंड डर्ट कुड गो इन टू अवर बॉडी एंड मेक अस इल. यही तो बता रहे हैं अभी आपको, जब हम हाथ से किसी चीज़ को टच करते हैं तो जर्म्स बीमारी कीटाणु. इन दिस टाइम यू दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टू वॉश हैंड्स एटलीस्ट 20 सेकेंड्स विथ अ सोप एंड मेनी टाइम्स इन अ डे. मेनी टाइम्स यू वॉश योर हैंड्स. हाथों से ही बीमारी के कीटाणु जब हम छूते हैं, हाथ से, नाक में हाथ लगाया, कान में हाथ लगाया, आँख को छुआ, मुंह को छुआ, तो जो बीमारी का कीटाणु है, जर्म्स है, वो हमारे पेट में, हमारे मुंह से हमारे पेट में चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं.
वी शुड वॉश अवर हैंड्स रेगुलरली इन मेनी टाइम्स इन अ डे. दिस इज द पिक्चर, है ना, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप, साबुन से हाथ धोना सिखा रहे हैं आपको. वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने के पहले भी हाथ धोना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट जाके भी आपको हाथ, टॉयलेट से आने के बाद आपको हाथ साबुन से धोना चाहिए. बिफोर एंड टचिंग अ वोंड, मतलब घाव या कुछ भी गंदी चीज़ छूने के पहले और बाद में भी आपको जैसे छू लिया है आपने तो उसको तुरंत हाथ धोना चाहिए. आफ्टर प्लेइंग विथ अ पेट, अगर आप पेट समझते ना, पेट मतलब पालतू जानवर, चाहे डॉग हो, कैट हो, काऊ हो, जो भी आप घर में पाले हैं उसको आपने टच किया है, उसके साथ खेले हैं, तो आपको तुरंत साबुन से हाथ धोना चाहिए. वी शुड रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग और टचिंग फूड. समझ में आ गया, हाथ धोना चाहिए खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट. टॉयलेट गए हैं तुरंत आके आपको हैंड वॉश से हाथ क्लीन करना चाहिए. वॉश हैंड्स इमीजिएटली आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग. अगर सर्दी हो गई आपको, आपने नाक साफ करा है, कफ है, तो तुरंत साफ, उसके बाद भी आपको तुरंत हाथ धोना चाहिए. वॉश हैंड्स आफ्टर ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर आप बस में, ऑटो में सफ़र कर आए हैं, तुरंत आपको लाइक ट्रेन, बसेस, टैक्सी एंड ऑटो रिक्शास एंड रिक्शास, यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर ट्रैवलिंग इन पब्लिक, ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यस, डू यू नो वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली प्रिवेंट कॉमन कोल्ड्स. कोल्ड साधारण सर्दी, अब हम सिर्फ हाथ धो के ही सर्दी से अपनी रक्षा कर सकते हैं. यस चिल्ड्रन, दिस इज अ ग्लोसरी, टू वर्ड्स ना, हार्ड वर्ड मीनिंग. ब्लिंक, क्लोज एंड ओपन आईज क्विकली, बंद करना और खोलना जल्दी जल्दी तेजी से, क्विकली, दैट इज ब्लिंक. ऑर्नामेंट, थिंग्स वॉर्न टू एड टू ब्यूटी, पहनने से, बाला पहनने से हम सुंदर दिखते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल इयर रिंग्स, कान के बाले. यस चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन. यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू ऑल, पर्सनल केयर एंड क्लीननेस. सो चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.